आज के इस वीडियो के अंदर, जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि यूजर का साइन अप हमने बनाया, उसके बाद हम साइन इन बनाया, साइन इन का मेथड एपीआई हमने एंड पॉइंट्स बनाए, टोकन हमें मिल रहा था, और प्रोटेक्टेड राउट्स को मैंने एक्सेस करना बताया था विथ ऑथोराइजेशन टोकन, बियरर टोकन हम पास करके उन प्रोटेक्टेड राउट्स को एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, सो आज हम ये देखेंगे कि यूजर राउट्स के अलावा हमारे पास, यूजर के अलावा एडमिन भी होता है, तो एडमिन के राउट्स कैसे हम बनाएंगे बेसिकली, और उनको कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे। तो एडमिन के, जिस प्रकार से यूजर के आपने साइन अप का बनाया है, यूजर का आपने साइन इन बनाया है, यूजर के प्रोफाइल को एक्सेस करने के लिए आपने उसके राउट्स बनाए हैं, उसी प्रकार से एडमिन के लिए भी आपको सेपरेट राउट्स बनाने पड़ेंगे। सो उसके लिए आप सबसे पहले, आपको ये काम करना है कि जो भी आपका रोल है, जो भी आपका रोल है, जैसे कि अभी एडमिन रोल है हमारा, और एडमिन रोल के लिए आप सेपरेट कंट्रोलर बना लो और उसके लिए अलग से राउट्स बना लो। सो कंट्रोलर फोल्डर में जाना है। अब आप ये देख लीजिए कि अब आपको कंट्रोलर्स किसके कंट्रोलर बनाने हैं, आपको एडमिन के कंट्रोलर बनाने हैं, तो एक एडमिन नाम की डायरेक्टरी बना लेना, और ये जो ऑथ डॉट जेएस है, जो कि यूजर का कंट्रोलर है, बाहर जो पड़ा हुआ है वो यूजर का कंट्रोलर है, ठीक है, तो आप इसकी कॉपी करके इसके अंदर आप पेस्ट कर देना। ठीक है, तो ये ऑथ डॉट जेएस किसके अंदर पड़ा हुआ है, एडमिन के अंदर। उसी प्रकार से एडमिन के राउट्स बनाने के लिए राउट्स फोल्डर में जाना और यहां पर आप इसको लिख देना एडमिन। अब जो बाहर पड़ा हुआ है वो क्या है, यूजर राउट है, इसी का जस्ट कॉपी करना है और एडमिन के अंदर पेस्ट कर देना। अब एडमिन फोल्डर के अंदर यूजर राउट डॉट जेएस पड़ी हुई है, तो इसको हम रीनेम करके हम इसको क्या बोल देंगे, एडमिन राउट डॉट जेएस। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहां से मैं पोस्टमैन चालू करूंगा और एक नया टैब आपको ओपन करना है। पहले तो एंड पॉइंट हम साइन अप का डिसाइड कर लेते हैं कि हमें एंड पॉइंट क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एंड पॉइंट डिसाइड कर लिया कि एपीआई के अंदर एडमिन स्लैश साइन अप, कुछ ऐसा एंड पॉइंट मैं देना चाहता हूं कि एपीआई स्लैश एडमिन स्लैश साइन अप, वो भी मेथड पोस्ट से होगी, वो भी बॉडी में देना पड़ेगा, रॉ में देना पड़ेगा और एज अ जेसन देना पड़ेगा। ये कि यही पैरामीटर आप कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो एज अ रॉ डेटा में। सो सी डी है ना, डी नाम से आप एक यूजर बना लो, और ओके लैब्स 4 नाम से मैं एक यूजर बनाने जा रहा हूँ, और ओके लैब्स 4, और जैसे मैं साइन अप करूंगा तो ये जो डी यूजर है ये एक्चुअल में किस प्रकार का यूजर बनेगा, एडमिन यूजर बनना चाहिए। वो हमें सारा चेक करना पड़ेगा। अब जो है, सबसे पहले तो आप अपने इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आओ, और यहां से आके आपको वो यूजर राउट जिस प्रकार से आपने इंपोर्ट करवा रखा है, उसी प्रकार से आपको एडमिन राउट भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसी को आपको कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है, और यहाँ पर आपको बोलना है एडमिन राउट्स। अब ये एडमिन राउट्स कहाँ से मिलेगा, तो कंट्रोल स्पेस प्रेस करना, तो ये अगर ये फाइंड नहीं कर पा रहा है तो आपको फिर मैनुअली करना पड़ेगा। इस लाइन को आप कॉपी कर लेना, पेस्ट करनी है, और यहाँ पर आप यूजर की जगह इसको क्या बोल दोगे, एडमिन राउट्स। और ये एडमिन राउट्स पड़ा कहाँ पर है, ये एडमिन राउट्स पड़ा हुआ है आपके राउट्स फोल्डर के अंदर। आपको कौन सा फोल्डर मिलेगा, एडमिन, और उसके अंदर कौन सी फाइल मिलेगी, एडमिन राउट्स। ठीक है, ये एडमिन राउट्स। ठीक है, तो ये एडमिन राउट हो गया। अब ये एंड पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया। अब एडमिन एडमिन राउट्स के अंदर हम गए, राउट्स के अंदर, एडमिन के अंदर, एडमिन राउट्स के अंदर गए। यहां से देखो अभी क्या, ये वाला हटा देता हूँ, गेट समथिंग वाला। ठीक है, अब साइन इन से पहले यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, स्लैश एडमिन, क्योंकि एंड पॉइंट क्या बनेगा, एंड पॉइंट बनेगा स्लैश एपीआई स्लैश एडमिन स्लैश साइन अप। तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपने दिए, और उसके बाद ये साइन अप जो है, बेसिकली साइन अप और साइन इन जो ये मेथड्स है, ये आपके कंट्रोलर के अंदर, चूंकि जस्ट मैंने एक कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो इनके कंट्रोलर्स अलग होंगे। किनके, एडमिन के कंट्रोलर्स अलग होंगे, और एडमिन के कंट्रोलर मैंने कंट्रोलर फोल्डर के अंदर, एडमिन के अंदर ऑथ डॉट जेएस है। सो ये साइन अप और साइन इन मेथड एक्चुअल में इंपोर्ट कहां से करवानी है मुझे, एडमिन के ऑथ से इंपोर्ट करवानी है। या आप इसको रीनेम करके एडमिन ऑथ भी कर सकते हो, जैसे यहां पर मैंने किया एडमिन ऑथ डॉट जेएस, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये मेरी ऑथ फाइल है,
सो एडमिन फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पर दे दिया एडमिन ऑथ, और यहाँ पर बस हमें ये ध्यान रखना है कि डॉट जेएस नहीं लिखना है, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। ठीक है, सो ये सक्सेसफुली यहाँ पर हो गया है। ठीक है, और ये इसको यूजर प्रोफाइल की जगह मैं बोल देता हूँ एडमिन प्रोफाइल, एडमिन प्रोफाइल, और ये एडमिन स्लैश एडमिन प्रोफाइल, ऐसा कुछ हम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं पोस्टमैन पे गया, साइन अप, सबसे पहला तो हम साइन अप देखते हैं, एडमिन साइन अप, और मैंने डिटेल्स डाली और देखते हैं क्या हो रहा है। ये इसलिए रन नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अभी सर्वर स्टार्ट ही नहीं किया था। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, एनपीएम स्टार्ट किया मैंने, अब कोई दिक्कत आ रही है, सबसे पहले देख लेते हैं, फाइंड कैन नॉट फाइंड एडमिन एडमिन ऑथ, इसको जो है एडमिन ऑथ नहीं मिला, तो राउट्स के अंदर एडमिन और एडमिन राउट्स, सो एडमिन एडमिन राउट्स। राउट्स के अंदर एडमिन के अंदर एडमिन राउट्स, और वापस से मैंने कंट्रोल सी किया, एरर आना तो एक नॉर्मल सी बात है। आप बस एरर, जो भी एरर आ रही है उसको थोड़ा ट्रैक डाउन करो, थोड़ा पढ़ो, समझो क्या हो रही है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, और उसके बाद आप उसको करें। बेसिकली अगेन ऐप क्रैश हुआ, सो ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। कैन नॉट फाइंड कंट्रोलर, अब कंट्रोलर्स पर आ रहा है एडमिन और एडमिन ऑथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एडमिन राउट्स के अंदर गया, एडमिन राउट्स के अंदर गया, और यहां से आप अपना कंट्रोलर देख लें, डॉट डॉट स्लैश मैंने किया कंट्रोलर्स एडमिन और एडमिन ऑथ, इस तरीके डॉट डॉट स्लैश का मतलब हो गया एक स्टेप अबव जाना है। ये जैसे कि एक स्टेप अबव गए एडमिन पर गए, फिर एक स्टेप अबव गए राउट्स पर गए, एक स्टेप अबव गए, एक स्टेप अबव गए तो राउट्स पर पहुंचे, एक स्टेप अबव गए तो कंट्रोलर्स तक पहुंचे हम, ऐसे अब डायरेक्टरी हमें जाना पड़ेगा। डॉट डॉट स्लैश का मतलब हो गया दो स्टेप अबव हम चले गए, और वहां पर आपको कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर जाना है, एडमिन फोल्डर के अंदर जाना है, और एडमिन ऑथ वाली फाइल से ये दो इंपोर्ट करवाना है, नेम्ड इंपोर्ट। मतलब ये साइन अप और साइन इन क्या है, दो प्रकार के फंक्शन है जो कि हमने एडमिन ऑथ डॉट जेएस फाइल से जो हमने कर रखी है, हमने क्या कर रखी है उसको नेम्ड एक्सपोर्ट कर रखा है। सो अगेन इसको मैं रन करके देखता हूँ, सो सी एल एस किया, एनपीएम स्टार्ट मैंने किया, अब दिक्कत आ रही है, कैन नॉट फाइंड मॉडल्स यूजर मॉडल्स। अब इसके अंदर से मॉडल्स और यूजर मॉडल्स से दिक्कत आ रही है, सो डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश यूजर मॉडल्स। ठीक है, तो ये क्योंकि ये सारी फाइलें हमने एक डायरेक्टरी अंदर पहुंचा दी है, तो सारी जो लिंकिंग थी ना, रिलेटिव लिंकिंग, वो सारी डिस्टर्ब हो गई, इसलिए आपको थोड़ा मैनुअली फिर सेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो बंद किया मैंने वापस से, एनपीएम स्टार्ट किया, अब चल गया है, कनेक्टेड भी है, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्टमैन पे जाना है, एडमिन साइन अप, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो मेरा यूजर रजिस्टर्ड तो हो गया, मगर प्रॉब्लम क्या है, ये यूजर एक्चुअल में किस रोल पर रजिस्टर हो गया, यूजर रोल पे रजिस्टर हो गया, और ये ऐसा हमें नहीं चाहिए, थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। इसलिए आप कंट्रोलर पे चले जाना, और कंट्रोलर पर यहाँ पर आपने सारे पैरामीटर डी स्ट्रक्चर कर लिए, रिक्वेस्ट डॉट बॉडीज आपने ले लिए, और इंसर्ट करवाने से पहले, यहाँ पर आप इंसर्ट करवा रहे हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना करना है, एक कांस्टेंट ले लेते हैं, रोल इज इक्वल टू, और यहाँ पर रोल में क्या दे देता हूँ, हार्ड कोडेड एडमिन, और ये रोल में कहाँ पास कर दूंगा, यहाँ पर पास कर दिया, सेव किया, सर्वर कनेक्टेड, ये हुआ। अब ये डी यूजर था, अब मैं किस नाम का यूजर रजिस्टर करूंगा, ई नाम का
एडमिन यूजर रजिस्टर कर रहे हैं, मतलब मैं ऐसी एपीआई बनाने जा रहा हूं जिससे किसका रजिस्ट्रेशन हो सके, एडमिन का रजिस्ट्रेशन हो सके, एडमिन साइन इन कर सके, एडमिन साइन अप कर सके, एडमिन अपने प्रोटेक्टेड राउट्स को एक्सेस कर सके। तो उसी तरीके से इससे पहले हमने क्या किया था, यूजर के प्रोटेक्टेड राउट्स हमने यूजर का साइन इन बना लिया, यूजर का साइन अप बना लिया, और यूजर के हमने प्रोटेक्टेड राउट्स को एक्सेस करने के लिए भी सिस्टम बनाया था। अभी हम एडमिन का काम कर रहे हैं। सो ओकेलेब्स 5 मैंने लिया, ओकेलेब्स 5 लिया और मैंने साइन सेंड किया। अब देखिए कि मुझे रिस्पांस में यूजर ऑब्जेक्ट मिल गया। अब रोल क्या मिल रहा है इसका, एडमिन रोल मिल गया और हमारा हैश पासवर्ड भी आ गया। तो मेरी एक एपीआई तो कौन सी कंप्लीट हो गई, एडमिन की साइन अप वाली एपीआई कंप्लीट हो गई है। उसी प्रकार से मुझे एडमिन की साइन इन की एपीआई मुझे बनानी है। तो यहां से मैं इसको नाम दूंगा साइन इन, और पोस्ट मेथड में होगा और बॉडी में जाना है और रॉ लेना पड़ेगा, और यहाँ रॉ से जेसन, और यहीं पे यूजर में जाके साइन इन में जाके ये ऑब्जेक्ट एज इट इज ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेना, यहाँ पर जाके आपको पेस्ट करना है। अब आपको देखना है ओकेलेब्स 5 और ये हम करके देखते हैं इसको। तो ये बोल रहा है कैन नॉट पोस्ट एडमिन, स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर पोस्ट हमने किया और सेंड पे क्लिक किया, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। बॉडी में गए, रॉ में गए, यहाँ पर कुछ हमने भेजा ही नहीं था, वापिस से हम यहाँ पर गए, ये पूरा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से ले लिया, यहाँ पर गए। अब एंड पॉइंट आप देख लेना, एपीआई स्लैश एडमिन स्लैश साइन इन, एपीआई से ही मतलब समझ में आ रहा होगा कि हम एडमिन का साइन इन करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये यह आप ऑब्जेक्ट पेस्ट कर लेना और ओकेलेब्स 5 और इस पर क्लिक किया। तो ऑथेंटिकेशन हो गया है, ये देखो मैसेज भी आ गया वेलकम। अगर इसका मैं यूजर चेंज कर दूं, यहां से 6 कर दूं, क्या ओकेलेब्स 6@gmail.com का कोई यूजर अवेलेबल है सिस्टम में? नहीं है, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, या आप इसको ये भी बोल सकते हो एडमिन डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। सो बेटर रिजल्ट देना है तो आप ये एडमिन के इस पे जाके दे सकते हो आप वो वैसा मैसेज, ठीक है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, सॉरी ये होगा। सो ये सक्सेसफुली हमारा एडमिन का राउट बना है, ठीक है। अब हमें ऐसा करना है कि एक ऐसा एंड पॉइंट बनाना है जो कि एडमिन का प्रोफाइल होगा। बेसिकली यहाँ पर पेस्ट किया स्लैश एपीआई स्लैश एडमिन स्लैश एडमिन प्रोफाइल, एडमिन प्रोफाइल को हमें यूज करना है। पोस्ट मेथड हमने लिया और यहां से ही आप देख लेना कि ऑथोराइजेशन हेडर के अंदर पास करना पड़ता है ना, हेडर स्टेप के अंदर कॉपी किया, यहां पर गए और एडमिन का एक प्रोफाइल है, यहाँ ऑथोराइजेशन लिया और यहां पर हमें क्या देना है, बियरर देना है, बियरर स्पेस और टोकन। तो जो भी टोकन यहां पर जनरेट हुआ है अभी जस्ट पहले, इस टोकन को यहां से कॉपी करना है और यहां पर जाना है और बियरर के बाद स्पेस देके ये टोकन पेस्ट कर देना और सेंड पे क्लिक करना है। अभी क्या आ रहा है, ये यूजर प्रोफाइल आ रहा है, ठीक है। पहले तो हम देख लेते हैं क्या एपीआई स्लैश एडमिन प्रोफाइल एंड पॉइंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है हमारे सिस्टम में। तो वो हम देख लेते हैं, एडमिन राउट्स पे गए, ये देखो ये कर रहा है ना, ये कर रहा है, और अभी ये इस पे मैसेज क्या आ रहा है, यूजर प्रोफाइल, मगर फाइल कौन सी है, एडमिन राउट है। तो इसको यूजर की जगह मैं क्या बोल दूंगा, कुछ भी बोल देंगे, जैसे एडमिन प्रोफाइल, ये एडमिन प्रोफाइल आ रही है। तो अगर इसमें टोकन में अगर मैं कुछ भी गड़बड़ करूं या कुछ भी चेंज करूं तो ये इनवैलिड टोकन, ये इसके लिए भी काम कर रहा है, किसके लिए, एडमिन के लिए भी काम कर रहा है सिस्टमेटिकली। सो अंडू किया, सेंड किया, तो सक्सेसफुली हमारे एडमिन के एंड पॉइंट्स हमारे बन गए हैं। अब थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं राउट्स के अंदर गए और ये यूजर प्रोफाइल है और इसके लिए हम ऑथ यूज कर रहे हैं, और ये हमारा ऑथ क्या है, मिडिलवेयर है ना। सो पहले एंड पॉइंट होता है, फिर मिडिलवेयर होता है, फिर कॉल बैक होता है। तो हमारा जो मिडिलवेयर जो फंक्शन है वो मैंने जस्ट यहीं रख दिया था। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है आपको डू नॉट रिपीट योर सेल्फ एक प्रिंसिपल चलता है जिसे हम ड्राई बोलते हैं, ठीक है। सो DRY, डोंट रिपीट योर सेल्फ।
तो जो कोड है बेसिकली ये कोड आपको जो है इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि आप इसको क्या कर सको, वापस से रीयूज कर सको। सो ये फंक्शन जो ले रखा है ना ऑथ फंक्शन, ये आपको ऐसा करना है कि ये आप अपने कंट्रोलर के अंदर एक्सपोर्ट कर लेना इसको। जैसे ये एडमिन के अंदर हम गए और एडमिन के अंदर यहाँ से जैसे यहाँ पर क्या कर रखा है, एक्सपोर्ट्स डॉट साइन इन कर रखा है, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें करना है एक्सपोर्ट्स डॉट auth, यहाँ पर लिखा इज इक्वल टू, ये मैंने पेस्ट कर दिया और यहां से मैंने हटाया और इस ये auth फंक्शन को भी हटाया और इसको मैं किस प्रकार का फंक्शन बना दूंगा, फैट एरो फंक्शन बना दिया इसको एज इट इज। और ये auth मैंने एक्सपोर्ट किया, अब यहाँ पर हम गए, ये auth फंक्शन यहाँ पर आ रहा है, अब इस auth फंक्शन को स्पेस देके मैं इंपोर्ट करवा सकता हूँ। ये जस्ट मैंने यहाँ से इंपोर्ट करवा लिया, पहले तो देख लेते हैं ये यहीं से आपको इंपोर्ट करवा लेना, क्योंकि एडमिन ऑथ वाली फाइल के अंदर तीन फंक्शंस हैं आपके, साइन अप है, साइन इन है और ऑथ है। पहले तो देखते हैं कि ये क्रैश क्यों हो रही है, ऑथ इज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। सो इस फाइल के अंदर ये देखो ये ऑथ आ रहा है ना, ऑथ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, इसको मैंने डिलीट किया, इसको डिलीट किया। अब ये जो ऑथ है ये कहाँ से आएगा, हमारे इस वाली फाइल से हमने नेम्ड इंपोर्ट करवा लिया, सेव किया और वापस से मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल सी किया मैंने यहाँ पर, कंट्रोल सी किया, npm start, npm start, वापस से एरर आई तो ये बोल रहा है कि कॉल बैक गॉट ऑब्जेक्ट। सो यूजर राउट पे भी हम गए और ये ऑथ लिया और ये ऑथ को यहां से ये करना पड़ेगा और ये एडमिन राउट के अंदर जो एक्सपोर्ट कर रखा है हमने ये के यही वहां पर भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, दोनों के अंदर एक्सपोर्ट कर लो ऑथ। अब देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसमें अभी के लिए तो ऐसा करना है कि ये मिडिलवेयर जो है ये एक्सटर्नलाइज करने की बजाय आप यहीं पर इसको डिफाइन कर लो और इसका ऑथेंटिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। सो इस वीडियो के अंदर आपने सक्सेसफुली जो है वो एडमिन की तीन एंड पॉइंट्स आपने बनाए हैं। सबसे पहला एंड पॉइंट तो आपने एडमिन स्लैश साइन इन करके बनाया है, ठीक है, दूसरा एंड पॉइंट आपने साइन अप वाला एंड पॉइंट बनाया है और तीसरा जो है आपने एडमिन प्रोफाइल देखने का एंड पॉइंट्स बनाया। ये एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे कि यूजर एंड पॉइंट्स बिहेव कर रहे हैं।